जाकिर नाइक साहब, आप वो आई डोंट नो, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, बट आई थिंक उनको पहले बातों को सुनना चाहिए, क्योंकि वो सुनने में और समझने में वो कहीं गुम हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यशमा के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था. बेचारी यशमा बोल रही थी कि आई एम एन एक्ट्रेस, उन्होंने बोला अच्छा हुआ आपने एक्टिंग छोड़ दी और दीन की तरफ आ गए. मैं आपको, मैं लोगों को ये बता दूँ कि जो लोग इस फील्ड में हैं, हमारा भी दीन होता है, हम भी खुदा के उतने ही करीब होते हैं, हम भी उतने ही गुनहगार हैं जो एक आम इंसान. और ये सारी जो लोग आई डोंट अंडरस्टैंड, ये लोग कैसे पोर्ट्रे कर देते हैं कि ये एक बैड इनकम है. It's really अरे कल उन्होंने बोल दिया YouTube की इनकम हराम है, अब मैं बैठा हूँ क्या हाँ, करें फिर, मतलब फ्रेंच फ्राइज फ्रेंच फ्राइज की रेडी लगा ले फिर हम, क्या करें. मतलब ये एक बहुत ही ये वो वाली चीज हो गई. I'm so, not okay. saying. So there's one thing that happened that was quite upsetting from someone of that stature. वो जो पी आई ए में गए, 300 या 400 किलो का उनका सामान था. आई थिंक ही ट्रैवल्स विद हिज एंटायर पूरा आपका सेट जो होता है, ये जितनी भी इनकी कवरेज वगैरह होती है, ही डज इट, पूरी प्रोडक्शन के साथ होती है. सो ही वांटेड इट टू बी फ्री, पी आई ए ने हाँ लाइक कि आप, इट्स लाइक अगर मैं आपको दावत दूँ कि जी आप जो है ना आए हमारे घर लाहौर आए और वहाँ आके रहें और आप यहाँ से जी 30 बंदे ले आए. देखिए मेहमान के भी तो कुछ असूल होते हैं ना, कि यार ठीक है अगर मैं कहीं मुझे दावत पे बुलाया तो मुझे भी ज़रा लिमिट में रहना है. अब वो 400 किलो की जहेज लेकर वो कह रहे कि जी मुझे इसमें फ्री करके दो, इंडिया में तो मुझे फ्री मिलता था. एक पाकिस्तान वैसी गरीब मुल्क है, पीआईए वैसी डेट में चल रही है, बेचारी कभी भी बंद हो जाएगी. उनसे आप कह रहे हो कि मुझे फ्री में दें, मगर द फैक्ट इज कि वो जब उनको वो नहीं मिला पीआईए पे तो उन्होंने ही इज लाइक बैड माउथिंग, उन्होंने वापस क्राई बेबी बन गए. या एंड इट डजंट सूट समवन ऑफ दैट स्टैचर, कि मतलब लाइक यू नो इस्लाम में भी आपको सिखाया जाता है ना मेहमान नवाजी पर्दा रखो या मेजबानी की उसूल होते हैं. एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो भी हमारे मुल्क में आता है हमारे मुल्क में बुराई करके चला जाता है, लाइक जावेद अख्तर वाज हियर, उन्होंने इतनी सारी बातें यहीं पर बैठ के की. एंड देन जाकिर नाइक साहब सेड वन मोर थिंग, लाइक वुमेन दैट आर नॉट मैरिड our public property, and that was very disturbing. That is the reason why I'm saying, मैं जो इतनी बातें बोल रही हूँ ना, मैं एक इंसान की, I'm not afraid to say this, but I just say that when you lose respect of someone, it's just because of how they talk, and it's pretty sad because I think हम तो एक आम से बंदे उनके सामने, he has a global thing, and he's supposed to be someone who's supposed to work with the time and the generation. Yeah, and in a country like Pakistan where there's a lot of violence against women, there's not enough freedom for women in terms of going to work and all. और फिर जहाँ पे लोग बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लोग इस बात को पकड़ कर उसका एक लूप होल इस्तेमाल करते हैं. तो आपने लोगों की जबान में वर्ड्स डाल दी ना कि अच्छा ये जो जा रही है ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो फिर वो उसको उसी तरह ट्रीट करेगा. नाउ इट्स अबाउट टाइम वी नीड टू टेल आवर यंगर जनरेशन, खासतौर पर मर्द हजरात को, कि भाई इट्स नॉट द केस. उनकी भी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए जितने आप किसी की बीवी, यू कैन नॉट जस्ट रिस्पेक्ट वुमेन बिकॉज शी इज एसोसिएटेड टू अ मैन, अ वुमेन हरसेल्फ कैन ऑल्सो बी रिस्पेक्टेड. तो ये चीज़ें सिखाने की आप उल्टा सिखा रहे हो, ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, अब कल इस तरह को कोई सोच के इस चीज़ को मुद्दा बना के कोई अगर क्राइम कमिट करता कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, ये तो गलत बात हुई ना. इट शुडंट कम फ्रॉम समवन विद अ ग्लोबल आउटरीच इतना बड़ा, एंड देन दैट टू यूर अ रिलीजियस प्रीचर, इट शोज अप, इट पुट्स द रिलीजन अंडर वेरी बैड लाइट अनफॉर्चुनेटली. ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए. सो दैट वॉज समथिंग दैट वॉज, और इस पर खवातीन को रिवोल्ट करना चाहिए था कि यार एक बंदा दूसरे मुल्क से आ रहा है, हमें इस तरह पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे कैसे जा रहा है. पाकिस्तान में अभी फिगर आया था 2 करोड़ खवातीन हैं जो 35 साल से ऊपर है जिनकी शादियां नहीं हुई, तो क्या वो 2 करोड़ और पब्लिक प्रॉपर्टी है? दे शुड हैव बीन ऑन द रोड्स के भाई ऐसे कैसे. और ये भी हो सकता है, इट्स आल्सो वुमेन, कभी कभी होता है घर में कोई मर्द नहीं होता. And being a divorce is not a sin. And आजकल जिस तरीके से divorces चल रही हैं, so you trying to say अगर कोई मर्द नहीं है घर में तो वो औरत, वो जो औरत का घर है वो उसके लिए महफूज नहीं है. It's a very big thing. It's a very big thing to say. हाँ वो बताए, वो एक controversy पर आ गए थे, वो सिर्फ आप नहीं थे, काफी influencers ने बनाई थी. But why did you become like the a target? Because it was a could be a targeted campaign. See, here's the thing. लोगों को फर्क नहीं पता कि वर्किंग फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी एंड वर्किंग विद द गवर्नमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स. गवर्नमेंट किसी की भी आ सकती है, आज इसकी है कल उसकी है परसों उसकी हो सकती है, राइट?
इट्स अ प्रिविलेज अगर एक मुल्क की गवर्नमेंट आपको इतना इम्पोर्टेंट समझती है कि यार आप मेरी मैसेजिंग करें तो ये तो प्राइड की बात है, राइट? कितने लोगों को गवर्नमेंट फोन करती है या आर्मी फोन करती है? So how did they approach you? So through agencies, ad agencies होती हैं उनके through आया and they said कि this is इस तरह की चीज़ें and it's not the first time. पहले भी की हैं, पिछली गवर्नमेंट में भी बहुत से लोगों ने की थी. देखिए इट्स जस्ट लाइक जैसे अखबार में ऐड आता है ना कि भाई ये प्रोजेक्ट आया है, या टीवी चैनल्स पे भी हम देखते हैं कि भाई ब्रेक में चल रहे होते हैं ना ऐड, तो वो यही तो होते हैं. गवर्नमेंट का एक इदारा होता है जिसका काम होता है लोगों को बताना कि भाई हम ये काम कर रहे हैं. सो पहले ये कम्युनिकेशन अखबार में होती थी, टीवी में होती थी, अब वो सोशल मीडिया पे हो रही है एंड दे केम टू द राइट पर्सन. एक महीने तक शोर मचता रहा. अखबार में कितने ऐड आते हैं, आप उस पर तंदूर की रोटी रख के खा के कल्ली वल्ली सो जाते हैं, आपको पता भी नहीं उसमें लिखा हुआ क्या है. बट लाइक यू नो अबाउट व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड द होल कंट्री न्यू अबाउट. तो ये तो सक्सेसफुल कैंपेन हुई, सबको पता चल गया कि ये काम हो रहा है. सो दे स्पेंड द मनी एट द राइट प्लेस. एब्सोल्युटली राइट. तो लेकिन व्हाई डिड यू अपोलोजाइज, मतलब व्हाई डिड यू अपोलोजाइज? सो हियर्स द थिंग, उसमें बात ये है कि यही वाली चीज ना कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है. लोग समझे कि ओ आई एम साइडिंग विद दिस पार्टी और दैट पार्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल you're in the limelight for the past 20 years, right? You also know this and it's no hidden secret ki aap when you're famous you cannot side with anyone. You can't. You can just are with the awam and the country. Yes. There is no political party. Exactly. Aur aapko agar aapko chalna hai aapko sabke sath ek cordial relationship rakhni padti hai, right? To apology ki jo baat hai, to a lot of my fans were deeply hurt and they thought I'm being the mouthpiece of a certain party, right? Which was not the case. Halanki election se pehle almost all the parties reached out ki ye paise le aur hamare podcast kare ya hamari campaign kare, and I refused everyone. And a lot of people also, that is when I say, when people have, I remember Hira Mani went to an MKM Jalus. Yeah. And other people also, that is siding with the party, that is representing it. But if you are having it under the government of Pakistan, you are talking about Pakistan's government and not the party that's representing it. Because Prime Minister, chahe wo Shehbaz Sharif hai, Yusuf Raza Gilani the, koi bhi hota hai, Nawaz Sharif the. It was just a chair, and that chair deserves to be respected. Of course. So you cannot side with who sits on it. Yeah. So the follow-up video, I explained to the people, ये सारी चीज़ें कि भाई देखिए, there's a difference between working for a party कि आप किसी का propaganda push कर रहे हो, and then there's a difference between working for a government or with the government in cooperation, right? और वो भी कोई आपके कोई 5 साल का कोई रिश्ता थोड़ी है कि हर बार करनी है, ठीक है? एक चीज़ थी, and that's something you know you believe in, you know. ऐसा तो नहीं है कि कोई हवा में चीज़ थी आपने ऐसे बोल दी. Anyway. तो उसमें मैंने अपने फैंस को बस यही समझाना था कि भाई ये होता है, दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. पहले भी ऐसे होती रही हैं, आने वाले वक्तों में भी होती रहेंगी. बट इफ यू थिंक आई हैव हर्ट यू, तो आई अपोलोजाइज. आई हैव मेड 1200 वीडियोस, राइट? एंड ऑल ऑफ दोज वीडियोस, उनका क्रक्स था एजुकेशन, सिविल राइट्स, या फिर ये कि लोगों के लिए बेहतरी. मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ सड़क पे, और मैं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, दैट्स फॉर द पीपल. मेरे लिए नहीं है, राइट? I get to travel around the world. बेचारा जो हमारा बंदा इधर ही रहता है, उसने जिंदगी ही गुजारनी है ना, तो उसके लिए आवाज. सो आई हैव एक तरफ 1200 वीडियोस वो बनाई हैं. अगर आपको लगता है एक वीडियो में से आप नहीं करते एग्री, सो यू कैन नॉट 1200 को तो आप डिसाइड नहीं कर सकते ना. या इट्स लाइक आई बिलीव ह्यूमंस मेक मिस्टेक्स एंड समटाइम्स सम थिंग्स आर नॉट अ मिस्टेक, पर आपको लगता है इफ इट्स अ मिस्टेक. तो आपको ये कभी लगा था दैट मैं ये कैंपेन करूंगा तो इतनी बैकलैश होगी, या कुछ ऐसे दिमाग में आया था? यू नो, अंदाजा तो था, बट ऑफ कोर्स दिस इट ब्लू आउट ऑफ प्रोपोर्शन. और वो अंदाजा था कि हां 2-3 दिन होगा, इतना तो होता ही है, व्हिच इज फाइन. वो तो आप कुछ भी बोल दो, आप अरे मैंने उमरे की भी वीडियो डाली, उसमें भी नीचे कोई हेट कमेंट करके गया, तो लाइक देयर इज ऑलवेज सम हेट. तो आई बिलीव आप दीवार की वीडियो डालो ना, सिर्फ दीवार, सफेद दीवार, उस दीवार पर भी आकर ये लोग 6 चीजें लिख देंगे. इस दीवार के नीचे ये, उस दीवार, आपको इस दीवार पर, इसकी दीवार की, मतलब दैट्स दैट. आई ऑलवेज से दैट अवाम और इंटरनेट को खुश करने पर जाओगे ना, तो कब्र तक चले जाओगे, वो तब भी खुश नहीं होगा. हाँ, मर जाओगे फिर भी बोलेंगे नाक में सही रोई नहीं डली हुई, या मुंह उधर यूं क्यों नहीं है, या हंस क्यों रहा है. हाँ, या फिर ये बोलेंगे यार मरना ही बस यही था.